क्लास में। तो अभी हमारी क्लास चलती है करंट अफेयर की, जो डेली आपका मंडे टू सैटरडे कब तक चलती है, 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में, ठीक है। तो 2-3 मिनट तो लेट हो जाते हैं सिस्टम को लग में, ठीक है। तो जल्दी से बच्चा हम लोग क्लास शुरू करते हैं, उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक। तो चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चनों की ओर, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, अभी रिसेंटली बड़े पैमाने पर किस समझ राज्यों के बीच में बच्चा आपका क्या हुआ, एक तेल कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, अभी पढ़ाया भी था ज्योग्राफी के अंदर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, कट फायर द बिग वेव ऑफ बच्चा, ठीक है। तो रिसेंटली कहाँ पे आपका, तो राज्य है आपका असम राज्य। मैंने आप लोगों को बताया कि असम राज्य में वर्तमान समय पर कितने, जो वर्तमान समय पर एक्टिव कार्यरत जो आपके ऑयल क्षेत्र है या ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है, वो कितने है, 4 है। तो उन चारों के नाम आप लोग कमेंट्स में लिख के भेजोगे। इंडियन ज्योग्राफी जब मैं असम पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो असम में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो असम इसका राइट आंसर आएगा रिसेंटली यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, असम के वर्तमान समय पे सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। एग्जाम में पूछा जाए आपको, वर्तमान समय पे असम के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, सर्वानंद सोनवाल, जबकि गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। उसके बाद असम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आपका यहाँ पर सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका, जो किस पर बना है, लोहित नदी पर बना है, वो भी कहाँ पे है, असम राज्य के अंदर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था, ये भी असम के अंदर हुआ था, और असम में भी कहाँ पे हुआ था आपका, गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर भी स्थित है। तो मैंने आप असम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे 4 एक्टिव ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है, वो 4 कौन कौन सी है, जैसे आपका डिगबोई हो गया, ठीक है, आपका नूना माटी करके हो गया, तो ये सारी आप लोगों को बता, नामेरी, सॉरी बता, नूना माटी दी नामेरी करके, ठीक है। तो ये 4 सभी आप लोगों को बताने हैं कमेंट्स करके। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना। 8 जून 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में एक प्राकृतिक गैस तेल कुएं में भीषण आग लग गई। बागान में बचे आपका क्या हो यहाँ पे काफी, ठीक है, तिनसुकिया, तिनसुकिया जहां तक अंतिम क्या है, रेलवे स्टेशन भी है अंतिम, नॉर्थ ईस्ट में यही तक ट्रेन जाती है तिनसुकिया तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किस भारतीय भारोत्तोलक को बच्चा डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया आपका, विच इंडियन रेसलर हैज द बीन क्लियर विच आपका डोपिंग चार्ज बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा। तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा किसे दोष मुक्त घोषित कर दिया गया, तो ये किया गया आपका संजीता चानू, संगीता नहीं है बच्चे यहाँ पे, संजीता चानू, ठीक है। मैं आपको कमेंट्स बहुत कम देख पाता हूँ, तो मैं कमेंट्स के लिए आप लोगों को, ठीक है, कमेंट्स भी देख लेता हूँ क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग। आंसर बच्चे जो नए क्वेश्चन हैं इनके आंसर आज नहीं, कल आप लोग जब रिविजन करोगे तो वहां पे इनके आंसर आप लोग देते रहोगे, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, भारतीय भारोत्तोलन के संजीता चानू को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा उनके बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना बच्चे आपका अभी क्या कर दिया गया, डोपिंग टेस्ट से इन्हें हटा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा संजीता चानू का नाम आपने सुनाया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो ये आपका रेसलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, COVID-19 के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2020 के लिए रद्द कर दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन कैंसल फॉर द 2020 यानी कि 2020 का ड्यू टू COVID-19 के कारण इसे क्या कर दिया गया, बिल्कुल इसे रद्द कर दिया गया। तो कौन सा, रेमन मैक्से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, या जो एकेडमिक अवार्ड होते हैं वाले पुरस्कार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, रेमन मैक्से पुरस्कार। रेमन मैक्से पुरस्कार को क्या कर दिया गया 2020 में, इस अवार्ड को देने के लिए क्या कर दिया गया बच्चा, अभी पोस्टपोन कर दिया गया यानी कि रद्द कर दिया गया कि 2020 में किसी को नहीं दिया जाएगा। रेमन मैक्से की मैं बात करूं, जस्ट 1 मिनट बच्चा, अगर मैं रेमन मैक्से की बात करूं बच्चा आपका, तो रेमन मैक्से कौन सा आप, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, कुछ आ गया टेक्निकली, ठीक है ना। तो रेमन मैक्से पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1957 में, किसके द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है।
कब दिया जाता है बच्चा आपका? फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और याद रखना इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लास्ट टाइम 2019 में एक भारतीय को दिया गया था, उनका नाम क्या था? तो सभी लोगों को याद होगा, रवीश कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना। हाँ बिल्कुल, कृष्णा बच्चे ने यहाँ पे कहा है कि पहले व्यक्ति वो थे कौन, विनोबा भावे, जिन्हें रहमान मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे बच्चा आपका? विनोबा भावे, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगली यहाँ पे ध्यान दीजिए, रहमान मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, COVID-19 के कारण, महामारी के कारण से 2020 में रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये कौन देता है? फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मनीला में ये अवार्ड कर दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जो फंसे हुए जो प्रवासी है, ठीक है, माइग्रेट जो लोग हैं, उन्हें घर वापसी तक यानी कि कितने दिन का समय दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि जो भी प्रवासी हैं उन्हें घर तक पहुँचाने के लिए आपके पास इतना समय है। कितना समय? 20 दिन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 3 दिन का। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना समय दिया गया राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों पर इस मामले में, ठीक है, तो कितना दिया गया आपका? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 15 दिन का समय दिया गया। और आपसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर जब हस्तक्षेप किया गया तो कितना समय दिया गया था, ठीक है। बच्चा आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, साउंड का कोई इश्यू तो नहीं है? साउंड वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को? आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि बहुत बार बच्चा साउंड, देखो मैं अपने एंड से तो बिल्कुल साउंड सही होता है, लेकिन अभी कभी कभार साउंड का दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जून को 2020 में केंद्र और राज्य सरकारों को क्या दिया गया, यानी कि 15 दिनों के भीतर कस्बों में फंसे या अलग अलग जगह पर फंसे सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की बात की गई, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 के अंदर दिया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 124 के अंदर दी गई। कहां पे दी गई? आर्टिकल 124 में, यानी क्या कहा गया कि भारत में एक क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान दीजिए, इसमें वर्तमान समय पर 33+1 यानी कि टोटल कितने न्यायाधीश आपके? 34 न्यायाधीश है। इसमें टोटल वर्तमान समय पर 34 क्या है? न्यायाधीश है, यानी कि आपका चीफ जस्टिस एक क्या होंगे? आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और 33 आपके क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस बोबडे वर्तमान समय पर 47वें मुख्य न्यायाधीश है, ये भी ध्यान दीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली का कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे। मैंने क्या पूछा आपसे? दिल्ली के कौन से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया आपका? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितनी कमी आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी आपका, ठीक है, हाउ मच इन 2020, कितने परसेंट की क्या आ जाएगी यहाँ पे? कमी आ जाएगी ऐसा कहा गया। 5.2%, 6.4% या 7.1% या आपका 4.8%। तो याद रखना कितना? 5.2% की कमी आ जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऐसा कहा गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या कहा गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें 5.2% की कमी आ जाएगी, जबकि ग्लोबल वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार क्या कहा गया कि भारत और चीन को छोड़कर लगभग लगभग सभी देशों की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? 0 के आसपास रहेगी, ठीक है। ऐसा भी कहा गया, भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, वर्ल्ड बैंक का नाम आया आपका, तो वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ? 1945 में, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945
1945 में, और याद रखना वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय पर जो चेयरपर्सन है या हेड है उनका नाम क्या आपका डेविड मालपास, वर्तमान समय पर इसके क्या है हेड है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, तो याद रखना ग्लोबल इकोनॉमी के अनुसार, ग्लोबल इकोनॉमी के ठीक है अनुमान किया गया विश्व बैंक के द्वारा, और क्या कहा गया कि 2020 के या दौरान द्वितीय विश्व युद्ध से भी गहरी बचा भी गिरावट देखी गई है। ठीक है चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। COVID-19 रोगियों के लिए कोविड बीप, बहुत ही बढ़िया, वैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कल बता चुका हूँ, कोविड बीप भारत का पहला वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया COVID-19 रोगियों के लिए कोविड बीप, ठीक है ये क्या किया गया पहला वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर बच्चे आपका जितेंद्र के द्वारा किया गया। अब याद रखना मैंने बताया भी था इसके बारे में, पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्री डॉक्टर बच्चे आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा 7 जून को कोविड द्वीप का शुभारंभ किया गया। ठीक है तो याद रखना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का गाना का दर्जा दिया, ठीक है राज्य गीत का दर्जा दिया गया, ये प्रस्ताव भी क्या हो गई मंजूरी मिल चुकी है इस पर, तो किसने ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया। ठीक है अब ओडिशा से संबंधित मैंने आप लोगों को बताया कि ओडिशा में सबसे इंपॉर्टेंट एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेस्टिवल यानी कि एशिया एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहाँ पे लगता है आपका, ये ओडिशा राज्य में लगता है जिसका नाम क्या है बाली उत्सव। DMRC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन या LMRC में बाली उत्सव भारत के कौन से राज्य में लगता है, तो ओडिशा के अंदर लगता है। ठीक है ओडिशा में ही 2023 में क्या होंगे हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया पे नेशनल पार्कों की बात करी, भीतरकनिका हो गया, टीकरा पाड़ा हो गया आपका, सिमली पॉल, ऊंचा कोटी, ये ओडिशा राज्य में क्या आपके नेशनल पार्क है। ओडिशा का जो समुद्री क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं समुद्री लाइन, या समझ लो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ सरकार के नाम से जानते हैं ओडिशा का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बच्चे आपका है ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, तो याद रखना अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना उत्थान योजना शुरू करी है। ध्यान देना विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च स्टेट वेंडर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी समझ लो पथ यानी कि आपका उत्थान योजना शुरू करी है। ठीक है तो ये किसके द्वारा शुरू की गई, कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, ये शुरू की गई मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली शुरू की गई है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ बचा निर्माण योजना शुरू की है। ठीक है तो ध्यान दीजिए जिसके लिए उन्होंने क्या करे आपका 300 करोड़ रुपए को हस्तांतरित किया गया शहरी निकायों के लिए। शिवराज सिंह चौहान के लिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, शिवराज सिंह चौहान भारत के पहले मुख्यमंत्री है जो सबसे लंबे समय तक बिना कैबिनेट के मुख्यमंत्री रहे, समझ लो 24 दिन तक, तो इससे पहले कहां पे थे, तो मुझे जहां तक ध्यान है बच्चे आपका कर्नाटक राज्य के CM थे, लेकिन ये 29 दिन तक बिना कैबिनेट के CM रहने वाले, यानी कि अकेले समझ लो इन्होंने क्या संभाला था राज्य को संभाला था बिना कैबिनेट के, तो कितने दिन तक 29 दिन तक बिना कैबिनेट के क्या रहे ये CM रहे। ठीक है नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक यहाँ पे क्या दिया गया रोजगार विनिमय शुरू किया गया, ऐसा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया आपका किसके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द यहाँ पे क्या दिया गया आपका बच्चा, ठीक है राज कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बच्चा आपका थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज का शुरुआत की गई। देखो अभी सब कुछ तो डिजिटली होना है, तो उसके लिए बच्चा अभी सभी राज्य सरकारों में क्या अभी चल रहा है। ठीक है तो आगे चलेंगे हम लोग राजस्थान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में
बायोडीजल पर यानी कि जैव ईंधन पर पॉलिसी लागू करने वाला अगर कोई पहला स्टेट है तो वो कौन है आपका, राजस्थान है। राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके कौन से, सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव घाना पक्षी विहार। अगर मैं केवला देव की बात करूं तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए जाना जाता है, जो साइबेरियन बर्ड है उनके लिए जाना जाता है। साइबेरियन पक्षियां भारत में कहां के लिए कौन सा, तो केवला देव घाना पक्षी विहार जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, इन विच स्टेट द प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक्स मॉम स्टार्ट रिसेंटली, किस राज्य सरकार ने ये शुरू करा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल राज्य ने, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम का प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुआ है, तो कहाँ पे शुरू हुआ आपका, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। एमपी राज्य सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया, शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, तो याद रखना मध्य प्रदेश ने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में धन्यवाद मां नाम से क्या किया गया आपका, वृक्षारोपण अभियान को किया गया, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किस राज्य में एक संयंत्र बचा आपका स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, इन विच स्टेट प्लांट हेल्थ बचाव का क्लिनिक वॉज द इनोग्रेटेड, तो कहाँ पे खोला गया, बिल्कुल मणिपुर के अंदर, समझ लो किस राज्य में एक संयंत्र स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। अब मणिपुर के ध्यान देना सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, जब भी किसी स्टेट का नाम आता है तो मैं आपको सबसे पहले पूछता हूँ कि यहाँ के सीएम कौन है, तो मणिपुर के जो सीएम है इनका नाम क्या आपका, एन वीरेन यहाँ के सीएम हो गए, और गवर्नर कौन है, नजमा हेमतुला मणिपुर के गवर्नर हो गए, ठीक है। मणिपुर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जैसे संघाई, मणिपुर के बारे में क्या कहता हूँ मैं हमेशा, संघाई के बारे में याद रखिए। अब संघाई क्या चीज है, संघाई मणिपुर के अंदर स्टेट एनिमल भी है मणिपुर का, संघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है, और संघाई भारत में एकमात्र डांसिंग डियर है जो मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, ये भी मणिपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर के अंदर लोकटक झील भी मणिपुर स्टेट में है, अब आप लोग ध्यान देना कि मणिपुर भारत के ऐसे कितने राज्यों को टच करता है, तो देखते हैं मणिपुर किसे कर रहा है, इधर से आपका म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इस छोर पे आपका मिजोरम को टच करेगा, इधर आपका असम को टच करेगा, और इधर साइड से आपका नागालैंड को, यानी कि भारत के तीन स्टेट मिजोरम, असम और किसे, नागालैंड को टच करता है, और उसके बाद आपका किसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ, म्यांमार के साथ, पटकाई रेंज या आराकान युमा क्षेत्र इसी से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, व्हाट इज द इंडिया रैंक, समझो यहाँ पे क्या दिया गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, रट दीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल रट देना है क्योंकि इन्हें पूछा ही जाना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, तो यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी आएगी, 168वां, समझ लो पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक है, समझो आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 168वीं रैंक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, भारत ने द्विवार्षिक बच्चा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो स्थान रहा, यानी किसमें बच्चा आपका, ईपीआई इंडेक्स में, ईपीआई इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी आई, 168 आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक की अनुबंध की बात की गई, ठीक है। एज पर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक बचा जो कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मच द परसेंटेज इन द फिस्कल ईयर 2020-21, 3.1%, 3.3%, 3.5% या 3.2% रहने की यहाँ पे बात की जा रही है। विश्व बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था
के अनुसार, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत की बात की जा रही है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका 3.2% तक का अनुमान लगाया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जहां विश्व की 5.2%, ठीक है, 2% की बात की गई, उसी तरह से भारत की 3.2%, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से नवीनतम जलवायु विज्ञान के साथ अपने COVID-19 पुनः प्राप्ति बच्चे, ठीक है, संरक्षित करने पर हस्ताक्षर किए गए? विच कंपनी है द साइन बच्चे आपका UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो आपका अभी रिसेंटली COVID-19 रिकवरी एफर्ट टू बच्चे आपका लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस, ठीक है, तो किसने कराई है? टेक महिंद्रा के द्वारा या टेक महिंद्रा के द्वारा रिसेंटली ये साइन किया गया। ध्यान दीजिए, टेक महिंद्रा और डिजिटल परिवर्तन के बीच में क्या हुआ आपका, ठीक है, तो रिसेंटली इनके बीच ग्लोबल कॉम्पैक्ट सरकारों के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप होना था, समझ लो 2020 में तो ये होना था आपका, लेकिन इसे अब क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में, अब ये आयोजित होगी, तो इसे कहां पर आयोजित होना था? वर्ल्ड आर्चरी जो आपका फील्ड एमेचर चैंपियनशिप, इसे अब क्या कर दिया गया आपका, पोस्टपोन कर दिया गया 2022 तक। तो 2022 में कहां पे होगा आपका? बिल्कुल अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, कहां पे होगा आपका? अमेरिका के अंदर होगा। और याद रखना अमेरिका में ही आपका G7 भी होना था, G7 अब आपका कब होगा? तो G7 अभी होना था, लेकिन अब सितंबर तक के लिए उसे क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वायुसेना के द्वारा सूखे क्षेत्रों से गंभीर रोगियों को निकालने के लिए कौन सा पॉड विकसित किया गया? रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विकसित किया गया विच पॉड टू बचा आपका, ठीक है ना, एक्सक्यूट जो क्रिटिकल बचा पेशेंट फ्रॉम द रिमोट एरियाज, तो कौन सा? तो बिल्कुल अर्पित। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि भारतीय वायुसेना के द्वारा क्या किया गया आपका, जोन सा पॉड, तो अर्पित अभी क्या किया गया, विकसित किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया, अर्पित नामक एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बचा पॉड को शामिल किया गया, जिसका उपयोग पृथक और दूर दराज क्षेत्रों में COVID-19 से संक्रमित जो रोगी होंगे उनकी पहचान करना और उनके बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया, जो वास्तविक समय पर जानकारी के साथ साथ बारिश, बाढ़ और आंधी से अलर्ट के लिए पूर्वानुमान प्रदान करेगा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेघ बच्चे यहाँ पे क्या दिया गया, मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया जो प्रोवाइड कराएगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉरकास्ट द रेन जो आपका, ठीक है, फ्लडिंग एंड बच्चे यहाँ पे क्या दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो याद रखना आपका, ठीक है, बिल्कुल किसने, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। अब मैंने आपसे बताया था जब भी किसी स्टेट का नाम आता है, अब कर्नाटक के बारे में, जैसे कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन सा है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया था, भारत का एकमात्र तितली उद्यान अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य के अंदर है, कहाँ पे, बेंगलुरु में, समझ लो, एकमात्र तितली उद्यान, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बन्नेरघट्टा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जोग फॉल कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है, सरावती नदी पर, जबकि विश्व का एंजिल फॉल कहाँ पे, वेनेजुला के अंदर स्थित है। नोट अगर आप लोग नोट कर रहे तो जरूर लिखिए, जो जो चीजें मैं बताता हूँ रिपीट करते रहिए। यहाँ पे माइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन ओर के लिए कुंद्रेमुख और गोल्ड के लिए कौन सा, कोलार, तो ये भी कहाँ पे, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यहां से आगे हमारा रिविजन सेशन रहेगा,
जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसे हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, आप लोग आंसर देते रहेंगे अब तक जितने चीजें मैंने आपको समझाई, ठीक है, वो आज के क्वेश्चन थे। उससे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एसएससी डे के लिए और एसएससी हमने ब्रांच वाइज बताता हूँ, सिविल ब्रांच के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करा है वो इवनिंग में 7 बजे से चल रहा है, उसमें 200 नंबर वो आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, समझ लो, सिविल ब्रांच के लिए ठीक 200 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, 7 बजे से चल रहा है। जबकि हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए रात में 9 बजे से चल रहा है, तो आप सभी लोग बहुत कम रह रहे हो आजकल, बहुत कम बच्चे रहते हैं लाइव, ठीक है, तो आप सभी लोग लाइव रहा करें, ठीक, तो सभी लोग 9 बजे की क्लास में, आशा करता हूँ आप सभी लोग लाइव रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी आप लोग हो, आप जितने ज्यादा लाइव रहेंगे तो हम मेहनत और ज्यादा करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कल के क्वेश्चनों की ओर। कल का पहला क्वेश्चन क्या था, तो ये दिया गया था आपके पास, किस संगठन के द्वारा 2020 में 75 वर्ष कंप्लीट किए गए, तो वो संगठन कौन सा आएगा आपका, तो सबसे पहले तो याद रखना यूएन की बात करेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हो चुकी थी, तो याद रखिए आप लोग इसने 75 वर्ष आपका कंप्लीट कर चुका है, कब, 2020 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे क्या दिया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्र से 1/4 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया, तो कहां पे, बिल्कुल जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, किन दो देशों ने समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है, विच टू नेशन है बच्चा डिसाइडेड टू साइन एग्रीमेंट मैरिटाइम, बच्चा आपका बाउंड्रीज की बात की गई, तो किन दो देशों के बीच में हुआ, अभी ग्रीस और इटली के बीच में, समझ लो ग्रीस और इटली के बीच में हुआ, ग्रीस की कैपिटल एथेंस, इटली की कैपिटल रोम, ठीक है, क्या है, रोम है। इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो को, इटली पो नदी को क्या कहा जाता है, इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली की कैपिटल रोम कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मैं आप लोगों को कल बता चुका था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 30 जून 2020 तक के लिए लॉकडाउन को, बच्चे प्रतिबंधों की घोषणा करी है विस्तार करने की, तो वो कौन है आपका, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है आपके, जगदीप धनकर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर सबसे महत्वपूर्ण फरक्का बांध जो बना हुआ आपका कहां पे, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज्यादा अगर चावल उत्पादन कोई राज्य करता है तो वेस्ट बंगाल, भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कोई राज्य करता है तो कौन करता है आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और किसके साथ आपका, बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच शुरू किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च एज ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, तो किसने शुरू कराया आपका, बिल्कुल आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, वाईएस जगमोहन रेड्डी। यहाँ के बच्चा गवर्नर कौन है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ के वर्तमान समय पर गवर्नर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, भारत और डेनमार्क के बीच में किस क्षेत्र में अभी क्या हुआ आपका, हस्ताक्षर हुए, ठीक है। भारत और डेनमार्क के बीच में रिसेंटली साइन किया गया, तो किस क्षेत्र में, तो ऊर्जा क्षेत्र में, यहाँ पे शक्ति दिया गया, पावर सेक्टर में, इन दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान के लिए अभी समझौता हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में COVID-19 रोगियों के लिए भारत का पहला शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली को शुरू किया गया, मैंने बताया था ना रिसेंटली, इंडिया फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर COVID-19 पेशेंट वॉज द लॉन्च, नाम क्या इसका, तो कोविड बीप, इसे क्या नाम दिया गया आपका, कोविड बीप, जिसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, FSSAI के द्वारा 2020-21 के लिए, ठीक है, क्या किया गया आपका, सबसे टॉप रैंक पे रहा खाद्य सुरक्षा, समझ लो
तो इनमें सबसे टॉप स्थान पे कौन सा राज्य रहा? बिल्कुल आपका गुजरात राज्य सबसे टॉप पे रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? गूगल के सर्च एंड असिस्टेंट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल आपका किसे? प्रभाकरण राघवन को नियुक्त किया गया। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्या दिया गया आपका? किस क्रिकेटर को IIFL फाइनेंस ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया या अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो IIFL का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? हिटमैन रोहित शर्मा को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे? हिटमैन रोहित शर्मा को चुना गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया आपका? IFSC गिफ्ट सिटी के तौर पर परिचालन के तौर पर करने वाला पहला बैंक कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा बैंक बन गया आपका? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन से शहर में, तो याद रखना गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र पर परिचालन शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। वुमेन सुपर लीग 2020 के लिए किसे नाम दिया गया? तो चेल्सी जो वुमेन्स जो लीग है आपका, उसे 2020 के लिए वुमेन्स सुपर लीग का खिताब दिया गया आपका। ठीक है, चेल्सी को। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया? तो कौन किसे चुना गया? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर आएगा। कौन है बच्चा आपका? समझो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका? डी एम, यहाँ पे क्या है बच्चा इनका नाम? नीथरा, एम नीथरा। कौन है? तो ये भी बताया था मैंने कि मदुरई के अंदर एक सैलून मालिक की 13 वर्षीय बेटी एम नीथरा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए, समझ लो, गुड फॉर द पीपुल के लिए गुड एम्बेसडर चुना गया, गुड विल एम्बेसडर चुना गया। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे? लंदन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? ये यूनेप नहीं है, ये विकास कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल आपका लंदन, ये आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और याद रखना इसी के द्वारा HDI रैंकिंग जारी की जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपका, UNDP established 1965 और प्रत्येक वर्ष HDI रैंकिंग जारी की जाती है 1990 से। किसके द्वारा की जाती है? यूनेप के द्वारा ही की जाती है। मानव विकास सूचकांक इसी के द्वारा जारी किया जाता है और मानव विकास सूचकांक की जो सिद्धांत दिया गया था वो महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। समझ लो किसके द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। जया जेटली टास्क फोर्स को बच्चा तहत स्थापित किया गया, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो किसके द्वारा तहत किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत क्या किया गया? स्थापित किया गया। जो केंद्र में, समझ लो, केंद्र ने क्या किया बच्चा? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, जो प्रजनन दर है या जन्म से पहले बच्चा लिंग की लिंगानुपात की बात करेंगे हम लोग, तो ये अभी इसके लिए क्या किया गया आपका? एक टास्क फोर्स बनाया गया जो क्या करेगी? आपकी रिपोर्ट देगी, 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, तो याद रखना जया जेटली टास्क फोर्स के द्वारा जो भी विश्लेषण, समझ लो, एनालिसिस जो रिपोर्ट होगी उसे कब तक सौंपेगी? तो 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, समझ लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति बच्चा आपका प्रतिदिन 55 लीटर पानी देने का बच्चा यहाँ पे बात की गई? तो किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, NCASR ने को यहाँ पे, समझ लो आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेनॉल और अन्य उपयोगी रसायनों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी बढ़ाओ के लिए बच्चा किसके साथ हस्ताक्षर किया यहाँ पे? तो बिल्कुल आपका ब्रेथ बच्चा आपका, ठीक है, एम्प्लॉयड साइंस के साथ। ठीक है, ब्रेथ एम्प्लॉयड जो आपका साइंस के साथ समझौता किया गया। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और डेली मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि इरादे हमारे पक्के हैं, ना रुकेंगे ना थकेंगे, चयन तो हम लेके रहेंगे लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इतिहास रचना है।
तो मैं आशा करता हूँ कि एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इवनिंग में 9 बजे, आप लोग बहुत कम हो रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहना है, ठीक है। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए अगले 90 दिनों तक हम लोग कम से कम किसी क्लास के अंदर 1K से ज़्यादा बच्चे लाइव रहे, ठीक। बहुत अच्छा पहल है, इस पहल में आप लोग रेगुलर क्लास में रहिए। रमन सर आप लोगों के लिए टेक्निकल क्लास शुरू करिए, वहाँ पे आपके लिए रीजनिंग शुरू की गई, आपके लिए जीएस का क्लास शुरू किया गया। जीएस में जो भी क्वेश्चंस है उनके लिए मैंने आपको बताया वो 50 क्वेश्चंस डेली के आपके वहाँ पे अगर स्पीड में बताया जा रहा है तो आप लोगों के लिए सैटरडे को अलग से मैं क्लास अरेंज कर लूँगा जहाँ पर आपका डाउट होगा। और ध्यान देना वहाँ पे अगर मैं पॉलिटी का कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो टॉपिक वाइज मैंने ज़्यादा नहीं 4 या 5 टॉपिक उठाए, उससे 10 क्वेश्चन रखे हैं। ज्योग्राफी से भी, यानी कि आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाए। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि देखो अपने पास पूरे के पूरे कंटेंट तैयार है, कंटेंट से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें मैं वहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के, आप लोग अपने लेवल पर स्टडी कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे वहाँ पर कोई भी टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ। अगर पॉलिटी में निर्वाचन का मतलब है तो निर्वाचन आयोग से मैंने क्वेश्चन रखे हैं, वित्त आयोग है तो वित्त आयोग से क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे एक सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चन रख रहा हूँ, यानी कि आपके हर एक टॉपिक को कवर करा सकूँ। अगर बाद में मैराथन की आवश्यकता हुई तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सारी चीज़ें समझा सकूँ, इस वजह से कंटेंट इस तरह से तैयार किया गया, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहेंगे, रात में 9 बजे क्लास इलेक्ट्रिकल के लिए और इवनिंग में 7 बजे सिविल ब्रांच के लिए। अब किसी बच्चे को कुछ पूछना है, यहाँ पे क्या पूछा गया प्रत्युषांत, क्या कहा गया बच्चा आपका? यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चे? इलेक्ट्रिकल बच्चे प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की क्लासों के लिए प्लेलिस्ट बनी है तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए सारी की। देखो आप लोगों के लिए कोई भी क्लास यूट्यूब के अंदर छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो क्लास आपकी रह जाती है बच्चा प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग। प्लेलिस्ट आपका सीक्वेंस है, सारी की सारी प्लेलिस्ट मेंटेन है, पहले की तरह तो नहीं है क्योंकि पहले हम लोग भी यूट्यूब के अंदर बिल्कुल नए थे तो हमें पता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे पूरा का पूरा मेंटेन है। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपकी मेंटेन है, एग्जाम 2020 है आपका, एग्जाम 2020 मेंटेन है। पिछले 6-7 महीने से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ में थोड़ा कमी रह जाती है कि जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ या और फैकल्टी पढ़ाती है उसका PDF हम लोग आपको प्रॉपर नहीं दे पा रहे। इतना सारा काम होने के बाद भी जो PDF देना दे पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा हमसे, ठीक है। तो उसके लिए भी जल्दी से आप, क्योंकि अभी लॉकडाउन में एम्प्लॉय तो है नहीं, जितना भी काम होता है हम सब लोग अपने एंड से खुद करते हैं। एक चीज है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 100 नंबर का टेक्निकल का अगर आपको PDF बनाई गई तो वो खुद ही सर के द्वारा बनाई गई। अगर करंट अफेयर की बना रहा हूँ, एग्जाम 2020 की बना रहा हूँ तो हम लोग खुद ही उसे तैयार करते हैं, पहले से भी खुद तैयार करते थे, आज भी खुद ही तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सार, क्योंकि देखो मैंने आपने बताया ना कि एरर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम लोग खुद ही ये सारा का सारा कंटेंट तैयार करते हैं। आशा करता हूं अब समझ बच्चा आज का लेक्चर। मैं यह भी यहां पे कुछ पूछा है किसी बच्चे ने, मैं देख लेता हूं क्या कहा गया। कौशल को किसी ने ब्लॉक कर दिया गया, चलो ठीक है मैं देखता हूँ कैसे। वैसे हमारे एंड से तो ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं देखता हूँ बच्चे कैसे हुआ, ठीक है। नहीं कौशल बच्चे तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल बच्चे पुराना स्टूडेंट है, मैं अच्छे से जानता हूँ कौशल को, ठीक है ना। अगर ब्लॉक किया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। नहीं बच्चे आगे देखो
इस तरह से ब्लॉक तो हमारे एंड से तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है किसी से तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ बच्चा, वैसे मुझे तो नहीं ध्यान है उसमें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो आप लोग तो एक परिवार की तरह है हमारे लिए, समझ लो आप सभी लोग हमारे लिए एक परिवार की तरह है, ठीक है। यदि अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए बच्चा मैं जरूर आप उसके लिए खेद होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि कौशल से पिछले काफी समय से हम लोग जुड़े हैं, तो कौशल बच्चा रेगुलर आंसर देता है क्लास के अंदर, तो अभी मैं चेक कर लूंगा अगर ऐसा हुआ है तो, ठीक है। तो बच्चा आज का लेक्चर ये भी समाप्त करते हैं, आप सभी लोग एक परिवार की तरह हमारे लिए, आगे भी परिवार की तरह रहेंगे, जल्दी से आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।